नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक की बात की जाए तो 55.55 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक 1.20 पैसे की तेजी है, तकरीबन 2% से ज्यादा तेजी देखने को मिले IDFC फर्स्ट बैंक में। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिले, स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई न्यूज है क्या रिगार्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक शेयर राइज आफ्टर IDFC अनाउंस प्लान टू कम्प्लीट मर्जर इन FY23। तो यहाँ पे IDFC आपने अनाउंस किया है मर्जर के लिए FY23 में, उसकी वजह से देख सकते कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी। और उसी के दौरान यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही आज स्टॉक ओपन हुआ 55 लेवल को ब्रेक किया है, उसी के ऊपर स्टेबल था। और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते कि दोपहर में जैसे की अपडेट आई तो स्टॉक के अंदर थोड़ी तेजी बढ़ चुकी है। तो रिसेंटली 2% ऑफ स्टॉक मार्केट कैप 34.66,000 करोड़ का है, पी रेशियो 17 का है। लास्ट 5 डेज में देख सकते कि स्टॉक की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक हल्का सा गिरावट देखने को मिला है। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 1 करोड़ 55 लाख के वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 8,552 लाख के ट्रेडेड वैल्यू है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो 1 करोड़ 44 लाख में से 62 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 43% से ज़्यादा। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख सकते कि रिसेंटली स्टॉक यहाँ पे देखा जाए तो नीचे आता है तो एक सपोर्टिव एरिया है स्टॉक की, जैसे कि 53 लेवल। तो 53 लेवल यहाँ पे सपोर्टिव एरिया है स्टॉक को नीचे के साइड, और ऊपर 55 के सेटल होता है तो 56 पे मंथली प्यूट है। तो देख सकते कि एक थोड़े से वॉल्यूम अच्छे बढ़ते हैं तो या फिर 56 को इजीली ब्रेकआउट मिल सकता है। 56 को ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस जो लगेगा वो 58 के दौरान लग सकता है।